हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निधि क्रिएटिव रेसिपीज़ में स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए टिफ़िन रेसिपी रोटी रैप लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इजी रेसिपी है और आपके बच्चों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है और ये बहुत ही हेल्दी है। तो उसके लिए हम लेंगे आटा, उसमें मैंने डाला है नमक और इसको हम नॉर्मली जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह से गूंद लेंगे, 10 मिनट रेस्ट करा देंगे। तो चलिए इसकी स्टफिंग करते हैं तैयार। तो लेंगे घी और उसमें डालूंगी जीरा और मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज को बारीक कट कर लिया है और टमाटर को भी कट कर लिया है और पनीर, और अगर आपके बच्चे हरी मिर्च खाते हैं तो डालें, नहीं तो अवॉइड करें। तो प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे और इसी के साथ हम अपनी बारीक कटी हुई प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज अच्छे से भून जाए तो उसमें टमाटर ऐड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो टमाटरों को अच्छे से भून लेंगे और इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। यह है ओरिगैनो, जो बच्चों का फेवरेट होता है, चिली फ्लेक्स और नॉर्मल नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर कलर के लिए, और इस सबको मसालों के साथ अच्छे से हम भून लेंगे। और अगर आप टमाटो सॉस बच्चों को पसंद हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और हमारा जो पनीर है उसको भी इसके साथ ऐड कर देंगे और एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और हमारी स्टफिंग तैयार है और ये मॉर्निंग टाइम में आप इसको झटपट बना सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है काफ़ी बिजी होता है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं और बच्चों को एक नई रेसिपी भी मिल जाएगी और वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और थोड़े से आंच को हम तेज़ कर देंगे और जो इसका जो जितना भी मॉइस्चर है उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं उसके लिए रोटी। तो मैं एक बार और अपने आटे को इकसार कर लूँगी हल्का सा घी लगा के। तो ये देखिए, ऐसे हमको इतना ही सॉफ्ट डो लगाना है और इसमें से लेंगे एक लोई, थोड़ी बड़ी लोई लें जिससे हमारा रैप अच्छे से बन जाए। और इसको मैंने सिंपल नहीं बनाया है, इसको मैंने बनाया है लेयर वाला पराठा, या आप इसको बोल सकते हैं सिंपल पराठा भी आप बना सकते हैं। तो मैंने पहले सिंपल पराठा बनाया है, इसको अच्छे पतला बेल लेंगे और इस पे लगाएंगे हम घी, क्योंकि बच्चे घी नहीं खाते हैं, उनको घी पसंद नहीं होता है, तो आप बच्चों को इस तरह से घी दे सकते हैं। और उस पे डालेंगे हम सूखा आटा और अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए तो हम इसको लच्छे पराठे की तरह बना लेंगे। और इसको अच्छे से प्रेस करते हुए अंदर की साइड में, जैसे हम जलेबी बनाते हैं गोल गोल, इस तरह से इसको गोल करते जाएंगे और इसको हम इस तरह से लपेटते जाएंगे, और जो एंड वाला पोर्शन है उसको बीच में हम दबा देंगे इस तरह से। और इसको अब हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि प्रोटीन हमारे जो बहुत बच्चों की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की, आजकल बच्चे हमारे थोड़ी मैदा की चीज़ें, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं। तो अगर आप इसको रैप बना के दोगे तो वो इजीली खा लेंगे। तो तवा गरम था और मैंने इसको अपने तवे पे डाल दिया था, दोनों तरफ से इसको घी लगा के नॉर्मली जैसे आप परांठे सेकते हैं सेक लीजिए। तो इस तरह से मैं अपने दो परांठे तैयार कर लूँगी। तो आप परांठे पर भी घी ही यूज करें। और ये मेरा सेकंड पराठा है, इसको भी मैंने लच्छे पराठे की तरह बेल लिया था और इसको हम सेक लेंगे।
ये रेडी हो गए हैं। अब हम इनमें लगाएंगे स्टफिंग। तो हम इसमें कोई सॉस नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हम इसको टिफ़िन में रखने वाले हैं। तो अगर आप सॉस वगैरह लगाएंगे तो जो हमारा पराठा है वो जो है ढीला हो जाएगा, सौगी सा हो जाएगा, तो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो आप इसमें कुछ भी ना लगाएं। हाँ, अगर घर में खाना है तो आप इसमें मेयोनीज या सॉस ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, एक रैप हमारा तैयार है। इसी तरह से दूसरा रैप भी तैयार कर लेंगे। अभी रुकिए, अभी ये इनकम्प्लीट है, तो फुल वीडियो वॉच करके ही जाएं। तो अभी मैंने रैप तैयार किया है और इसको सेकूंगी मैं ग्रिलर में। इसमें हम घी तेल कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी घी लगा हुआ है। बस अपने ग्रिलर को अच्छे से गर्म कर लें और इसमें इसको सेक लें। तो देखिए कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आए हैं, जिसको देख के बच्चे खुश हो जाएंगे। तो आप इस तरह से उनके टिफिन में बनाकर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो जो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हेल्दी खाएँ।